आदरणीय सभापति जी, हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इस सदन के सदन में जो बात कही थी, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा था, इसी चेयर पर बैठकर के उन्होंने कहा था और वो आज भी उतना ही उपयुक्त है। और आप प्रणब मुखर्जी, आदरणीय प्रणब मुखर्जी के बात को उल्लेख करते हो या आप स्वयं अपना दर्द व्यक्त करते हो, ये सारी बातें उसमें है। और उस समय राधाकृष्णन जी ने कहा था, हमारे विचार, हमारा व्यवहार और हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा व्यवहार और हमारी सोच ही दो सदनों वाली हमारी संसदीय प्रणाली के औचित्य को साबित करेगी। संविधान का हिस्सा बनी इस द्विसदनीय व्यवस्था की परीक्षा हमारे कामों से होगी। हम पहली बार अपनी संसदीय प्रणाली में दो सदनों की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी सोच, सामर्थ्य और समझ से देश को इस व्यवस्था का औचित्य साबित करें। 250 सत्र की यात्रा के बाद, अनुभव का इतना संपूट होने के बाद, वर्तमान की और आने वाली पीढ़ियों की दायित्व तो और बढ़ जाता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जो अपेक्षा की थी, कहीं हम उससे नीचे तो नहीं जा रहे हैं? क्या हम उन अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, या बदलते हुए युग में हम उन अपेक्षाओं को भी और अच्छा वैल्यूएडिशन कर रहे हैं? ये सोचने का समय है और मुझे विश्वास है कि सदन की वर्तमान पीढ़ी भी और आने वाली पीढ़ी भी डॉक्टर राधाकृष्णन जी की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी और उसे आने वाले दिनों में देश को, अगर जैसा अभी आदरणीय सभापति जी ने कहा, अगर हम पिछले 250 सत्रों की विवेचना करें तो कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिल यहां पास हुए हैं जो एक प्रकार से देश के कानून बने, देश के जीवन को चलाने का आधार बने हैं। और मैं भी पिछले अगर 5 साल का हिसाब किताब देखूं तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसी अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बनने का अवसर मुझे भी मिला है। विद्वत्तापूर्ण हर एक किसी के विचार सुनने का मुझे सौभाग्य मिला है और कई बातों को नई सिरे से देखने का अवसर इसी सदन से मिला है और इसके लिए मैं खुद लाभान्वित हुआ हूँ और मैं सबका आभारी भी हूँ। और ये अगर हम चीज़ों को सीखे समझे तो बहुत कुछ मिलता है और वो मैंने यहाँ अनुभव किया है। तो मेरे लिए आप सबके बीच कभी कभी आकर के सुनने का मौका मिलता है, वो अपने आप में एक सौभाग्य है। अगर हम पिछले 5 साल के और देखें, यही सदन है जिसने 3 तलाक का कानून होगा कि नहीं होगा, हर एक को लगता था यहीं पर अटक जाएगा, लेकिन इसी सदन की मैच्योरिटी है कि उसने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वुमेन एम्पावरमेंट का काम इसी सदन में किया। हमारे देश में आरक्षण के विरोध करके हर पल संघर्ष के बीज बोए गए हैं, उसमें से तनाव पैदा करने के भरसक प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन यह गर्व की बात है कि इसी सदन ने सामान्य वर्ग के गरीब परिवार का 10% आरक्षण का निर्णय किया, लेकिन देश में कहीं तनाव नहीं हुआ, विरोध भाव पैदा नहीं हुआ, सहमति का भाव बना, ये भी इसी सदन के कारण संभव हुआ है। इसी प्रकार से हम जानते हैं जीएसटी लंबे अरसे थे, जो को भी शासन में जिसकी जिम्मेवारी है, हर एक ने मेहनत की, कमियां है नहीं है, सुधरनी चाहिए नहीं सुधरनी चाहिए, ये सारी भी डिबेट चलती रहेगी, लेकिन वन नेशन वन टैक्स सिस्टम की ओर इसी सदन ने
सर्वसम्मति बना करके देश को दिशा देने का काम किया है और उसी के कारण एक नए विश्वास के साथ विश्व में हम अपनी बात रख पा रहे हैं। देश की एकता और अखंडता इसी सदन में 1964 में जो वादे किए गए थे कि एक साल के भीतर भीतर इस काम को कर दिया जाएगा, जो नहीं हो पाया था वो धारा 370 और 35A इसी सदन और देश को दिशा देने का काम इस सदन ने पहले किया, बाद में लोकसभा ने किया है और इसलिए ये सदन अपने आप में देश की एकता अखंडता के लिए इतने महत्वपूर्ण निर्णय के अंदर इतनी जो भूमिका अदा की है वो अपने आप में। और ये भी एक विशेषता है इस सदन इस बात के लिए, जिस बात को भी याद करेगा कि संविधान के अंदर धारा 370 आई, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले मिस्टर एन गोपाला स्वामी वो इस सदन के पहले नेता थे, फर्स्ट लीडर थे वो, तो उन्होंने इसको रखा था और इसी सदन ने उसको निकालने का काम भी बड़े गौरव के साथ करके वो एक घटना अब इतिहास बन चुकी है, लेकिन यहीं पर हुआ है।